हेलो शिक्षा सिटी फैमिली, मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं, वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ कोर्सेज़ मैंने कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पर प्रेजेंट कर रखे हैं, आप उनको भी जाके देखें। वो आपके एग्जाम्स के लिए, इवन अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज के भी लिंक दे दूंगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज में हों, चाहे अदर कोर्सेज के हों, वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे और चलिए वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों, कल वीडियो हमने यहीं पर ख़त्म किया था और आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर राम रतन ने सही दिया है, देवी लाल ने सही दिया है, अरविंद ने दिया है, उसके अलावा फन इन मस्ती करके कुछ हैं वो चैनल उन्होंने दिया था, बसर खान, चंदन कुमार, दीपक पारुल ने बहुत अच्छा दिया था, चारों ऑप्शंस के बारे में बताए थे, पवार ने दिया है, अनिल ने दिया है, बजरंगी ने दिया, गोपाल ने, और रघुराज ने भी बहुत अच्छे से आंसर दिया है जो कि रेगुलर ही बताते रहते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर सारे लोगों को पता होगा कि जो हाल ही में जो हॉकी विश्व कप 2018 का उद्घाटन हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो कलिंग स्टेडियम है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। और इम्पॉर्टेंट है, मेजबानी भारत कर रहा है, AR रहमान द्वारा जो एंथम सॉन्ग है वो बनाया गया है, ठीक है, उसके म्यूजिक दी गई है, उसके अलावा शाहरुख खान ने फीचर किया है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा जो इम्पॉर्टेंट आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई, अब हम बात कर लेते हैं उड़ीसा के जो CM है जिन पे हमेशा हम बात करते हैं, तो नवीन पटनायक और गणेशी लाल जी वहाँ के क्या हैं, तो वहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इतनी चीज़ें आपको हर राज्य के बारे में एटलीस्ट CM और राज्यपाल तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल अनिल बैजल, उसके अलावा केरल के CM तो दोनों लोगों में P कॉमन है, मैं शुरू से बताता हूँ और आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो P विजयन और आपके P सदाशिवम, आपके P विजयन केरल के CM हैं और P सदाशिवम वहाँ के राज्यपाल हैं। उसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कर्नाटक के जो CM है वो कौन है, तो HD कुमार स्वामी, ध्यान रखिएगा HD कुमार स्वामी आपके कहाँ के CM हैं, तो वो हैं कर्नाटक के, और वहीं के जो राज्यपाल हैं तो वजूभाई वाला, ध्यान रखिएगा, जो वहाँ के CM है वो कौन है, तो वो कुमार स्वामी हैं, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो वो हैं आपके वजूभाई वाला। तो इतने क्वेश्चंस क्लियर होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका उड़ीसा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हो रहा है, और इसका मैस्कट हमने आपको बताया है ओली कछुआ, ध्यान रखिएगा ओलो एक टर्टल है जो इसका मैस्कट है, ठीक है। इतनी चीज़ें होंगी, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में मोहम्मद अजीज़ का निधन हुआ है वो कौन थे, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके पास चार हैं, लेखक थे, चित्रकार थे, पत्रकार थे या फिर गायक थे, तो वो गायक थे। इनके बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, उम्मीद है आपने सारे लोगों ने सुना होगा इनके, बहुत जैसे प्यार तुम्हारा अमर रहेगा और दुनिया में कितना गम है और बहुत सारे ऐसे तू कल चला जाएगा, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो आपने सुने होंगे। तो ये सिंगर हैं, काफ़ी फेमस है, तो इन पे क्वेश्चन बन सकता है। और हमने आपको एक और क्वेश्चन बताया था TS कनका पे, TS कनका जो एशिया की पहली न्यूरोसर्जन है, ठीक है, एशिया की ही पहली न्यूरोसर्जन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो पूछा जा सकता है। उसके अलावा हमने आपको स्टालिन बताया था जिन्होंने आपके आयरन मैन हो गया, थॉर हो गया, ये सब मूवीज़ बनाई थी, ठीक है, उसके निर्माता थे। उसके अलावा कुलदीप सिंह चंद्रपुरी साहब जिनका रोल बॉर्डर में सनी देओल ने निभाया, तो वो इंपॉर्टेंट है निधन में जो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन D गायक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास चार हैं, 26 नवंबर, 31 अक्टूबर, 5 नवंबर और 11 नवंबर, तो चार के चारों ही ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका 26 नवंबर, ऑप्शन फर्स्ट आपका है। इसी दिन आपको पता होगा कि जो ऑपरेशन फ्लड के जनक कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन जी, ठीक है, वर्गीस कुरियन जी का जन्मदिन, और इसी दिन हम 26 नवंबर को
हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं और इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो 1970 में क्रांति शुरू करी गई थी, जिसको आप श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं और ऑपरेशन फ्लड नाम से जानते हैं। उसके जनक कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन जी, और उन्हीं के जन्मदिन पर हर साल 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। उसके अलावा इस दिन हम कौन सा मनाते हैं डे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी भारतीय संविधान दिवस। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा जो संविधान था उसको बनाया गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया था, तो इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। लेकिन बना कब था, तो वो बना था 26 जनवरी 1949 में, ठीक है। तो 2015 से इसको हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। इससे पहले हम भारतीय कानून दिवस के रूप में मनाते थे। इससे पहले हम क्या करते थे, तो भारतीय कानून दिवस के रूप में मनाते थे। उसके अलावा दोस्तों बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लें, तो 31 अक्टूबर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन हम जो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके जन्मदिन पे 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और इन्हीं के नाम पे भी, इन्हीं के स्मरण में भी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, जो गुजरात में बनाई गई है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा 5 नवंबर इस दिन हम क्या मनाते हैं, तो आयुर्वेद दिवस। इस दिन हम क्या मनाते हैं, तो आयुर्वेद दिवस मनाते हैं, जो किसके द्वारा मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा। और आयुष मंत्रालय की फुल फॉर्म हमने आपको बताई थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछी जाती है। तो आयुष की आपको स्पेलिंग पता होगी कि वो क्या है, वो है AYUSH, ठीक है। तो ए से हो गया आपका आयुर्वेदा, वाई से हो गया योगा नेचुरोपैथी, यू से हो गया आपका यूनानी, एस से हो गया सिंध, और एच से क्या हो गया, तो होम्योपैथ, ठीक है। तो यही फुल फॉर्म होता है आपका आयुष का। और ये मंत्रालय किसके पास है, तो श्रीपद यसो नाइक, ये इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ, आपको पूछा जाता है, तो श्रीपद यसो नाइक जी के पास है आपका आयुष मंत्रालय। और इसी ने मनाया था 5 नवंबर को आयुर्वेद दिवस, और प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी आयुष मंत्रालय ने ही मनाया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको आयुष मंत्रालय से याद रखनी है, जो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों आपका लास्ट है 11 नवंबर, और 11 नवंबर भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस दिन हम क्या करते हैं, तो इस दिन हम अपना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आपको पता है कि जो भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद साहब, ठीक है, उन्हीं के जन्म पर हम क्या मनाते हैं, तो वो मनाते हैं हम भारतीय अपना शिक्षा दिवस, यानी जो नेशनल एजुकेशन डे होता है, वो हर साल हम 11 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो क्या था, वो था 26 नवंबर, जिस दिन हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और अपना भारतीय संविधान दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में भारत ने HYSIS उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया, ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारत ने हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट और उसके साथ, यानी एक तो भारत के थे उसके साथ 30 और, ठीक है, जो उपग्रह हैं उनको भेजे हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये भेजा कहाँ गया है, तो आंध्र प्रदेश से। आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में सी हरिकोटा जो संस्थान है, वहाँ से आंध्र प्रदेश से ये जो HYSIS उपग्रह है उसको उड़ाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सबको पूछा जा सकता है। तो इसरो ने जो PSLV-43 उसी से प्रक्षेपित किए हैं, जिसमें 8 देश के 30 उपग्रह रहेंगे, जिसमें 8 देश के 30 उपग्रह रहेंगे, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें एक माइक्रो रहेगा और जो 29 रहेंगे वो नैनो सैटेलाइट्स रहेंगे, जो पूछा जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है कहाँ से छोड़ा गया, तो आंध्र प्रदेश का श्री हरि कोटा अंतरिक्ष केंद्र है, वहीं से ये जो है हमारा हाई स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट HYSIS, इसको सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और इसरो के बारे में हमने आपको बताया कि इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो कौन है, तो के सिवान पूछे जा सकते हैं, ठीक है, के सिवान, जो कि इसरो के यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हमने फुल फॉर्म भी बताया है, उसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और लॉन्च कहाँ से किया गया, तो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से। और आंध्र प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे 25वां हाईकोर्ट किसको मिला है, तो वो मिला है आंध्र प्रदेश को। जस्टिस सिटी आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है अमरावती में बनाया जा रहा है। तो इतनी चीजें आपको आंध्र प्रदेश से इंपॉर्टेंट। और आंध्र प्रदेश के सीएम भी हमने आपको बताया था चंद्रबाबू नायडू, और वहां के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो ASL नरसिम्हन। अभी दिल्ली हमने आपको क्लियर किया था कौन है वहां के, तो अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल। उसके अलावा केरल भी हमने आपको अभी क्लियर किया था PVJN, PSDASIVAM। उसके अलावा उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं और गणेशी लाल। तो इतनी चीजें तो आपको पता ही होंगी जो हमने अभी आपको क्लियर किया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने बिजनेस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शंस आपके पास चार हैं, नीरज चोपड़ा है, अभिजीत बोस है, ब्रायन एक्टन, ब्रायन क्वांस है और ब्रायन एक्टन है। तो जो सही ऑप्शन है वो है ब्रायन क्वांस। ध्यान रखिएगा जो लाइव्स कोट करके एलजी है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉनिक ने अपने बिजनेस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो वो किया है ब्रायन एक्टन को। उसके अलावा दोस्तों नीरज चोपड़ा, अभिजीत बोस और ब्रायन एक्टन, ये सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ब्रायन को आंसर, तो इनको साइड कर देते हैं। अब नीरज अरोरा पे क्या क्वेश्चन बनता है, तो ये व्हाट्सएप के बिजनेस हेड थे जिससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ध्यान रखिएगा व्हाट्सएप के बिजनेस हेड से जिससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया नीरज चोपड़ा ने। और अभिजीत बोस को व्हाट्सएप का हेड बनाया गया है, इंडिया हेड। ध्यान रखिएगा व्हाट्सएप का इंडिया हेड किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया अभिजीत बोस को। और ब्रायन एक्टर और जैन कॉम किसके जो संस्थापक हैं, तो वो हैं व्हाट्सएप के। यानी तीनों क्वेश्चन ये व्हाट्सएप से बिलोंग करते हैं। जो उस क्वेश्चन का आंसर था वो है आपका ब्रायन क्वांस, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक है उसके बिजनेस प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। और तीनों क्वेश्चन नीरज चोपड़ा ने व्हाट्सएप के बिजनेस हेड से इस्तीफा दे दिया है, अभिजीत बोस व्हाट्सएप इंडिया के हेड हो गए हैं, और उसके अलावा ब्रायन एक्टन और जैन कॉम व्हाट्सएप के आपके क्या हैं, तो ये हैं संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, सुनील अरोड़ा को, संजय मिश्रा को, अजय भूषण पांडे को या फिर अरविंद सक्सेना को? तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका अरविंद सक्सेना। ध्यान रखिएगा अरविंद सक्सेना को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये इंपॉर्टेंट है और आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों सुनील अरोड़ा तो कौन बने हैं, तो ये हमारे मुख्य चुनाव आयोग, ध्यान रखिएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन बने हैं, तो वो बने हैं सुनील अरोड़ा। अभी ओपी रावत जी थे लेकिन एक तारीख को इनका रिटायरमेंट हो गया, तो अब कौन हो गए हैं, तो सुनील अरोड़ा। संजय मिश्रा भी हमने आपको बताया ईडी यानी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो आपका प्रवर्तन निदेशालय है उसके डायरेक्टर बनाए गए हैं। उसके अलावा जो अजय भूषण पांडे हैं ये क्या बनाए गए हैं, तो रिवेन्यू सेक्रेटरी यानी जो राजस्व सचिव हैं वो बनाए गए हैं अजय भूषण पांडे, जो कि UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO रह चुके हैं, जो कि आधार बनाता था। ठीक है, तो चार ऑप्शन क्लियर हो गए आपके। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो अरविंद सक्सेना, अजय भूषण पांडे आपके राजस्व सचिव हो गए, संजय मिश्रा आपके ईडी हो गए, ईडी के डायरेक्टर, और सुनील हो गए आपके चीफ इलेक्शन कमीशन यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो अब सुनील अरोड़ा हो चुके हैं ओपी रावत जी की जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कि हाल ही में 13वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, सिंगापुर, फ्रांस, इंडोनेशिया या अर्जेंटीना? आज चारों ऑप्शंस के बारे में बताना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रांस ही अगर आप उठा लेते हैं तो हाल ही में फ्रांस ने फीफा जीता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और फ्रांस ने मेजबानी भी करी थी फीफा अंडर 19 मूवमेंट जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके। तो ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आप इनको बना के हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका रह जाएगा जो हम जिसके आंसर आपसे इस वीडियो में मांगेंगे। और सारे लोगों का नाम जिन लोगों ने सही आंसर दिया है हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि इससे उनको इनकरेजमेंट मिलती है, और वो हमें जब हम टाइप करते हैं ये चीज़ें तो हमें इनकरेजमेंट मिलती है जब वो लाइक करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेगा। ऐसे डेली करंट वीडियोज़ की जो करंट की वीडियोज़ हम आपको प्रेजेंट करते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।